मेजबानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न पराठा। बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बनता है और बहुत फटाफट बन जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी पराठे बनते हैं। स्वीट कॉर्न से तो बहुत सारी रेसिपी बनती है। स्वीट कॉर्न सबको पसंद भी आता है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो इस तरह से हम टेस्टी और हेल्दी पराठा बनाएंगे। बच्चों को ये स्कूल में भी पैक करके दे सकते हैं। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। स्वीट कॉर्न पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ स्वीट कॉर्न इनको बॉईल करके लिया है। ये हमें क्या करना है, इसे ग्राइंड करना है, दरदरा सा पेस्ट बनाना है। तो मैं अभी बना लेती हूँ। तो देखो, इस तरह से मैंने कॉर्न का पेस्ट बना के लिया। मैंने बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट नहीं तैयार किया है, इसमें थोड़े थोड़े कॉर्न के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो अभी हम आटा लगाते हैं। आटे के लिए एक डो तैयार करना है। तो ये है चावल का आटा, ये 2 बड़े चम्मच है। हम 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इसे हम छान के लेंगे। ऐड करेंगे गेहूं का आटा। तकरीबन मैंने यहाँ 1 बड़ा कप गेहूं का आटा लिया है। तो अभी इसमें मैं डालूँ और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने इन्हें थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है, 2 हरी मिर्च और लहसुन की कुछ कलियाँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा 1 छोटा चम्मच और अजवाइन 1 छोटा चम्मच। अजवाइन को मैं इस पे हाथ में क्रश करके डाल देती हूँ। ऐड करेंगे नमक, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमने कॉर्न का पेस्ट बना के रखा है उसी में हमें ये आटा गूंथना है। ज़रूरत होने से थोड़ा सा पानी यूज करेंगे, नहीं तो उसी में हम ये आटा लगा लेंगे। मिक्स कर लिया। अभी इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, ये स्किप करने से भी चलेगा। और इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। और जो अब हमने ये पेस्ट बना के रखी है वो थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे आटा लगा देंगे। जैसे हम पराठे के लिए रेडी करते उसी तरह से हमें आटा लगाना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए, जब तक हम पूरी तरह से ये अच्छे से मिक्स नहीं करते तब तक हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। ज़रूरत होने से ही पानी ऐड करेंगे। देखो, अभी मैंने इस तरह से आटा रेडी कर दिया है और मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी हम थोड़ा सा इसे ऑयल लगा देंगे। ऑयल से इसे एक बार अच्छे से सॉफ्ट करेंगे और इसे हमें ढक के 10 मिनट रेस्ट के लिए रखना है। देखो, अभी हमारा आटा ना 10-15 मिनट अच्छे से सेट हो चुका है। हमें क्या करना है, इसमें से हमें जितना बड़ा पराठा बेलना है उतना पोर्शन लेके इसका पराठा बेलना है। इस तरह से इसको गोल बना के हम इसे ड्राई आटे में कोट करेंगे ताकि ये हमारा चिपके नहीं। और इसे थोड़ा सा फैला देंगे। इसके बीच में हमें घी लगाना है इस तरह। अभी थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी लगाते हैं। घी लगाने से पराठा फूल भी जाता है अच्छे से और टेस्टी भी बहुत अच्छे से बनता है इस तरह से। अभी थोड़ा सा हमें क्या करना है, पोहा पाउडर लेके इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड करना है। पोहा पाउडर इसलिए स्प्रेड करना है, पोहा पाउडर ऐड करने से पराठा भी अच्छे से टेस्टी बनता है। जब आप पोहा पाउडर बनाते हो तब उसके साथ में थोड़ा जीरा और थोड़ा सा अजवाइन डाल के पोहा पाउडर बना लेना। एक बार बना के रखने से बहुत बार काम आती है। तो इस तरह से अब हमें एक बार और इसे ड्राई आटे में कोट करना है और फिर हम जैसे नॉर्मली पराठा बेलते हैं उसी पर हमें इसे बेल के लेना है। देखो, अभी मैंने इस तरह से हमारा पराठा बेल के लिया है। आपको जितना बड़ा छोटा बेलना है आप बेल सकते हो। और अभी हम इसे सेक लेते हैं। देखो, अभी हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे, पराठा बेल के रखा है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से गोल्डन एक सेक लेंगे। तो अभी हम इसे सेक लेते हैं। एक साइड से हमारा पराठा अच्छे से सेक चुका है। अभी मैं पलटी कर देती हूँ और इसे भी इस तरह से उस साइड से भी सेक लेते हैं। अभी हमारा दूसरी साइड से भी पराठा सेक चुका है। अब हमें क्या करना है, इन पराठे पे घी लगाएंगे। आप बिना घी का भी ये खा सकते हो
और थोड़ा सा घी लगाने से और थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्टी लगता है और थोड़ा ज़्यादा ये खस्ता भी बनता है, क्रिस्पी बनता है और गर्मा गर्म खाने में तो बहुत टेस्टी, और ये पराठे बनते भी बहुत हेल्दी है। वैसे कॉर्न तो बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत है, सबका फेवरेट होता है स्वीट कॉर्न। इस तरह से हम ये बच्चों को ऐसे सुबह सुबह टिफिन में भी बना के दे सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। इसके साथ हमें सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे इसे सॉस के साथ ही खा लेते हैं। पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है इस तरह से। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ और यह अभी हमारा दूसरा पराठा भी रेडी है। इसे भी हमने जैसे पहले वाले को सेक के लिया था उसी तरह इसे भी अच्छे से गोल्डन कलर में और थोड़ा खस्ता सेक लेते हैं। देखो इसी तरह से मैंने ये सारे पराठे बना के लिए हैं। अब हम निकाल लेते हैं और प्लेटिंग कर देते हैं। बस ये हमारे सारे पराठे बन के रेडी हैं और बहुत टेस्टी और खस्ता भी बन जाते हैं। देखो आपको जितना गर्मा गर्म बना के खाने हैं उतने आप बना के खा सकते हो, और बाकी का आटा आप एयर टाइट कंटेनर में रखे फ्रिज में रख सकते हो, पूरे दिन तक ये ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से ये हमारे पराठे रेडी हैं। अब हमें इसके साथ सब्जी की ज़रूरत नहीं है, अचार के साथ या सॉस के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। इस तरह से आप बच्चों को भी इसमें सॉस स्प्रेड करके या मेयोनीज स्प्रेड करके रोल करके स्कूल में दे सकते हो, बहुत टेस्टी और हेल्दी हमारे ये पराठे रेडी हो जाते। तरह से ये कॉर्न के पराठे जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट और बहुत फटाफट बन जाते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप भी इस तरह से टेस्टी हेल्दी स्वीट कॉर्न का पराठा जरूर करना, बहुत टेस्टी बनता है और ये हम बच्चों को टिफिन में भी पैक करके दे सकते हो। बहुत हेल्दी बनते हैं पराठे और स्वीट कॉर्न हेल्दी भी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो इस और इसके साथ हमें सब्जी की ज़रूरत नहीं है, हम इसे अचार स्वास्थ्य दही के साथ भी खा सकते, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत फटाफट बनता है। और इस तरह से मैंने बनाया है कि हमें स्टफिंग वगैरह बाहर निकल जाएगा उसका भी कोई टेंशन नहीं, बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैंने ये पराठे बनाए। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करना, हम फिर मिलेंगे नई सिंपल टेस्टी चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।